टॉप 4 वीवो स्मार्टफोन्स अंडर 20,000। सो ही नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया पर। तो दोस्तों, वीवो जो ब्रांड है वो सबसे ज्यादा अपने डिजाइन और कैमरे पर फोकस रखता है, और ये ब्रांड हर बार कैमरे में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो करता ही है, और इसके साथ साथ डिजाइन को भी काफी यूनिक और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता है। सो अगर आप भी एक नया वीवो का स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो बट आपका जो बजट है वो 10 से 20,000 तक ही स्टैंड करता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो हमने सेलेक्ट करे हैं टॉप 4 स्मार्टफोन्स जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं 20,000 के बजट में विद बेस्ट स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। सो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर की अपडेट्स भी मिलती रहें। तो अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, तो वो आता है वीवो की तरफ से वीवो T1 Pro 5G स्मार्टफोन। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन 20-22 हज़ार का देखने को मिल जाता है। सेल के दौरान आपको और सस्ता भी देखने को मिल सकता है। और इसके साथ अगर बात करें इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की, तो परफॉर्मेंस के लिए आपको यहां देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, और ये जो प्रोसेसर है वो 2.4 GHz पर क्लॉक्ड है। एंड इसके साथ आपको यहां पे 6GB का रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की, तो 6.44 इंचेस की आपको एक एमोलेड पैनल आपको यहां देखने को मिल जाता है, जो कि 1080x2400 का है। इसके अलावा आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट। ये तो रहा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 64MP का एक प्राइमरी सेंसर और 8MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको देखने को मिल जाता है, और तीसरा आपको 2MP का एक मैक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और जब भी आप इस कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करने जाओगे, तो आप मैक्सिमम 1080p में 30fps पर अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले कैमरे की बात करें, तो 16MP का आपको एक सामने की तरफ सेंसर देखने को मिलता है, और इसी क्वालिटी में आप सामने की तरफ से भी अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बैटरी स्पेसिफिकेशंस की, तो 4700mAh की आपको यहां बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 66W की फ्लैश चार्जिंग को। सो ओवरऑल जो बैटरी स्पेसिफिकेशन है इस स्मार्टफोन की, काफी बढ़िया निकल गया जाती है, बिकॉज आपको यहां बड़ी बैटरी तो मिलती है, उसके साथ आपको जब डिस्चार्ज हो जाएगा आपका फोन, तब आपको यहां फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है। सो ये काफी बढ़िया बात हो जाती है उन लोगों के लिए जो चार्जिंग में अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। सो ये तो हमारी लिस्ट के फर्स्ट स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों, सेकंड नंबर वाला जो स्मार्टफोन है वो वीवो की तरफ से वीवो T2 स्मार्टफोन है, और इस स्मार्टफोन को आप ग्रैब कर सकते हैं 17-18 हज़ार के बजट में। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर, जो कि एक 2.2 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, एंड यहाँ पे भी आपको 6GB की रैम सपोर्ट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पे भी आपको 6.38 इंचेस की एक एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, जो कि 1080x2400 का है। एंड इसके अलावा आपको स्मूथ एक्सपीरियंस फील कराने के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 90Hz का रिफ्रेश रेट। हालांकि थोड़ा सा रिफ्रेश रेट कम है, बट एमोलेड पैनल आपको यहाँ देखने को मिलता है। सो जब भी आप कंटेंट कंज्यूम करोगे, तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी वो एक अलग ही लेवल वाली रहेगी। IPS LCD वाले फोन से बेहतर आपको यहाँ देखने को मिलेगी पिक्चर क्वालिटी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 64MP का एक प्राइमरी सेंसर और दूसरा आपको 2MP का एक डेप्थ कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश। एंड जब भी आप इस कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करने जाओगे, तो आप मैक्सिमम 1080p में 30fps पर यहाँ से भी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें सामने वाले कैमरे की, तो 16MP का आपको एक सामने भी सेंसर देखने को मिलता है, और सेम क्वालिटी में आप सामने की तरफ से भी अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैटरी स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए, तो 4500mAh की आपको यहाँ बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 44W की फ्लैश चार्जिंग को। सो बैटरी वाइज तो यह स्मार्टफोन भी काफी बढ़िया है, और ओवरऑल अगर बात करें इस स्मार्टफोन की, तो इस बजट में काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, और इस स्मार्टफोन में आपको एक यूनिक डिजाइन देखने को मिल जाती है, और काफी अच्छे कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है। सो ये तो रहा हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से वीवो T1 स्मार्टफोन, और ये जो स्मार्टफोन है उन लोगों के लिए है जिनका जो बजट है 14-15 हज़ार रुपीस पर अटक जाता है, तो वो लोग इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें भी आपको सेम पिछले स्मार्टफोन की तरह ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और ये भी एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, बट यहाँ पे आपको 4GB की रैम सपोर्ट देखने को मिलती है।
एंड ये जो प्रोसेसर है वो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 6.58 इंचेस के एक IPS LCD पैनल। सो यहाँ पे आपको AMOLED का कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ एक बात आप नोटिस करेंगे इस स्मार्टफोन में कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 120Hz का रिफ्रेश रेट। सो यहाँ पे आपको स्क्रॉलिंग स्मूथ एक्सपीरियंस तो फील होगा ही, बट थोड़ा पिक्चर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा पिछले स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में। सो अगर आपको AMOLED पैनल वाला स्मार्टफोन लेना है तो आप पिछले स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं, बट अगर आपका बजट जो है वो थोड़ा कम है तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। इसमें भी आपको पिक्चर क्वालिटी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा और तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ जब भी आप इस कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करने जाओगे तो आप यहां से भी 1080p में 30fps पर अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले कैमरे की बात कर जाए तो 16 मेगापिक्सल का आपको एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिलता है और सामने की तरफ से भी आप सेम 1080p में 30fps पर अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें बैटरी स्पेसिफिकेशंस की 5000mAh की तो यहाँ आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, बट यहाँ आपको थोड़ा स्लो चार्जिंग देखने को मिलती है जो कि 18W की। सो थोड़ा आपको चार्जिंग स्पीड के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप इस स्मार्टफोन के साथ जाते हैं। सो आपको यहाँ पे जो ओवरऑल चार्जिंग के लिए टाइम देना होगा वो लगभग 1 से 1.5 घंटे देने होंगे 0 to 100% चार्ज करने में। सो अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं और आपका बजट यही है तो आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। तो ये तो ना हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के लास्ट एंड फाइनल फोर्थ स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है वीवो की तरफ से, वीवो T2X स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए है जिनका जो बजट है 11 से 12 हज़ार या 13 हज़ार रुपीज़ है, तो वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। और इस बजट में भी आपको एक 5G स्मार्टफोन मिल रहा है, सो काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है उन लोगों के लिए जिनका जो बजट है वो कम है और वो लोग एक बढ़िया 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है MediaTek Dimensity 6020 का चिपसेट, जो कि एक 2.2 GHz पर क्लॉक एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है एंड यहाँ पे आपको 4GB की रैम सपोर्ट देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे आपको 6.58 इंचेस के काफी बड़ी IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है जो कि 1080x2408 pixels का है, बट यहाँ पे आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिलता है। सो हो सकता है कि थोड़ा आपको एक्सपीरियंस जो है स्क्रॉल करने में कम स्मूथ देखने को मिले बाकी अदर स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में, बट हाँ इस प्राइस में आपको एक 5G स्मार्टफोन मिल रहा है, सो ये आपके लिए काफी ग्रेट डील हो सकती है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की तो यहाँ पे आपको 12-layer कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर और दूसरा 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश। एंड जब भी आप इस कैमरे से वीडियोस को रिकॉर्ड करोगे तो आप यहां से भी मैक्सिमम 1080p में 30fps पर ही अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले कैमरे की बात करी जाए तो 8 मेगापिक्सल का आपको एक सामने की तरफ सेंसर देखने को मिलता है और सेम आप सामने की तरफ से भी एज इट इज पीछे वाले कैमरे की तरह ही 1080p में 30fps पर अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करें अगर बैटरी स्पेसिफिकेशंस की तो 5000mAh की आपको यहाँ भी काफी बढ़िया बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है सेम 18W की फास्ट चार्जिंग को। सो अगर बात करें इस बजट के अनुसार इस स्मार्टफोन के ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की तो वो मेरे को काफी बढ़िया लगे। सो आप इस स्मार्टफोन को ग्रैब कर सकते हैं अगर आपका बजट जो है 12-13 हज़ार रुपीज पर अटक जाता है। सो हाँ ये रहे टॉप 4 स्मार्टफोन जो आपको देखने को मिलते हैं वीवो की तरफ से विद 5G कनेक्टिविटी। सो आप इनमें से किसी भी स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार, और मैंने जो स्मार्टफोन्स को रैंक कराया है वो बजट के अनुसार ही रैंक कराया है, तो ये सारे स्मार्टफोन अपने बजट पर बेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए राधे राधे।